या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह की सरता कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये पढ़े मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि बुराई की तरफ लोगों की तबियत ज्यादा माइल होती है। देखिए कोई हाल बचा नहीं है जबकि राजी समय ने जो फरमाया है अपनी जगह मुसल्लम है अपनी जगह मुसल्लम उससे कम बुजुर्गों की बातों पर अगर अमल कर लिया जाए तो उसमें ही हमारे लिए फायदा है। खामोशी अगर याद हो तो पढ़िए नहीं याद है तो याद कर लीजिए इसलिए ये याद करने के लिए ही महफिल सजाई गई है। पर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह भाई ये आपका इलाका नहीं है मेरा इलाका है ये इलाका मेरा है इलाके के लोग मेरे हैं इलाके के लोग मेरे हैं और इलाके के लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए है ना नीचे बैठा है अल्लाह अल्लाह Allah
बात सही है कि नहीं?
अल्लाह अल्लाह। अगर ये लोग बोले सुभान अल्लाह तो आप लोग भी बोलिए, अगर ये खामोश रहे तो थोड़ा सा दो कदम बढ़ जाइएगा, ये खामोश रहे तो आप सो जाइएगा, थोड़ा सा दो कदम बढ़ गया, अगर ये सो जाए तो दो कदम बढ़ के आप लोग इंतकाल कर जाइएगा। करता हूँ जिनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, बिना वजह भी लोग बैठे ताईराने चेना में तेरी खुशबू, ताईराने चेना में तेरी खुशबू, गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशबू, ताईराने चेना में तेरी कोई जिंदगी के साथ बैठे। अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप
यहाँ हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब चिल्ला की नफीस और पाकीज़ा गुफ्तगू सुनने के लिए बैठे हैं और अपनी जिंदा दिली का मुजाहरा फरमा रहे हैं। गुजारिश ये करूँगा आप लोगों से कि नात शरीफ सुनना इबादत है, नात का सुनना इबादत है, नात का लिखना इबादत है, नात का पढ़ना इबादत है, लेकिन तकरीर सुनना से भी बेहद ज़रूरी है। लिहाजा से मुलतवी सुनी इल्तिजा करूँगा आप लोगों से कि नात शरीफ बहुत मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनना ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। मोहब्बतों के साथ बैठे सिर्फ तीसरे आज तक पहुँचा देता हूँ, मोहब्बतों के साथ जो मुझे पाठ करके आप पेश कर लें। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।